चलते हैं समधन जी। जी जीती रहे बेटा। प्रणाम माँ। हमारी प्यारी बहना आती रहना बहना। मारे पेट में गुड़गुड़ हो रहे हो, भूख लगी है मारे को, जोर से कुछ खाने को दो। चलो बहू रसोई में कुछ खिला देती हूँ। जे इसकी कमर में कहीं चमक रही हुआ है, जे तो कुछ कटार जैसा लग रही हुआ है हमारे को। अरे विधि रानी, क्या हुआ भाभी साहब, आपने पीछे से आवाज क्यों दी? जी साड़ी तो घड़ी चोखी लग रही है। सिर्फ साड़ी अच्छी लग रही है, मैं नहीं? ना जी ना, तेरे भी बड़े चोखे लग रहे हो। मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। पर जे पटली कैसी बनाई है विधि रानी? मैं तेरी पटली ठीक कर देती हूँ। हाँ इमरती माँ जी सा, पटली बाद में संवार लेना। चलो बहू रसोई में, भूख लगी है ना? माँ जी सा घनिष्यानी बन रही है, कुछ तो बात जरूर है। जरा सोच इमरती, क्या था वो? वो तुम्हारी साड़ी का पल्लू नहीं ठीक कर रही थी, बल्कि उसकी नजर तुम्हारी कटार पर पड़ गई थी। बस वो जांचने आई थी। अगर पकड़े जाते ना तो भांडा फूट जाता। तुम इसे उतार कर कहीं रख क्यों नहीं देती? कटार बिना हमारे को खाली खाली सा लगे, जैसे थे लोग 6-6 किलो के कंगन पहने हो, वैसे मारे लिए मारी कटार। थारा कंगन आफत को पास बुलावे है, मारा कंगन आफत को दूर करे है। पर तुम अब विधि हो, और विधि ना कटार लेकर नहीं घूमती थी। तुम इसे उतार करके अलमारी में बंद कर दो। उतारना है तो 5,000 रुपए लगेंगे। 5,000 किस लिए? इनकम टैक्स और जीएसटी भी जा गया मेरा। तुम टैक्स भी भरती हो? धोखा तो कोमल कली दुश्मन को भी दे कोड़ी, फिर सरकार को क्यों देगी? पैन कार्ड है मारा। और डालो, अगले जन्म के लिए बचा रखा है के खाड़ा। विधि इतना ही खाती थी, दोबारा ले लेना। हाँ हाँ हमारे को सब पता है, थारी विधि देवी थी देवी, हमारे को इंसान रहने दो। फीका खाती थी ना थारी विधि। बस बस कोई देख लेगा। अरे मैडम सा, आदमी पेट के लिए कमावे है, पेट पूजा किए बिना कोमल कली को चैन कोड़ी। तुम्हें जो भी सिखाया ना कोई फायदा नहीं हुआ। जब देखो तुम कोई ऐसी बात बोल देती हो कि मुझे घूरना पड़ता है, उस बात को संभालना पड़ता है। तुमने कुछ भी होमवर्क नहीं किया है, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें। किसी का किया मैं भूलू कोड़ी, खुद का पढ़ा हमारे को याद रहे कोड़ी। इतनी अकल वाली होती तो कलेक्टर ना बन जाती। मेरी विधि IAS पास करके कलेक्टर बनना चाहती थी। अरे विधि महान है, पर मैं वो हूँ तो नहीं। तुम हो भी नहीं सकती, पर प्लीज उसकी जैसी बनी रहो कुछ दिन, जब तक मेरा वेट ठीक ना हो जाए। प्लीज मांगो 500 रुपए देती जाओ। 500 रुपए? किस लिए? गाली को डांटा? पर गाली थोड़ी दी है, इसीलिए सिर्फ 500 रुपए मांग दी हूँ। गाली के 1000 रुपए है। रेट का नहीं पड़ा मारा लगता है। होमवर्क तो आपने भी किया घोड़ी। ये लो तुम्हारे 500 रुपए। और हाँ, दूध याद से पी लेना। अच्छे से खा लो। थैंक यू मैडम साहब। भाभी साहब, बाहर से कुछ लाना है के? मैं ले आऊंगा। नहीं, क्यों? नहीं, आप पैसे गिन दी थी ना, तो मुझे लगा कुछ लाना हो बाहर से। मैं एक काम कर, तू भी रख ले। भाभी साहब, पीछे मारे को क्यों दे रहे हो? गरीब गरीब भाई भाई, ऐश कर। सर पे चोट लगने का असर है ये सब। हे श्रीनाथ जी, हमारी भाभी साहब को जल्दी से अच्छा कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। दस लाख में कितने नोट होते होंगे? खैर, जब मिलेंगे तो बिस्तर पर बिछाकर आराम से ले दूंगी। लगता है ये सेवा करवा कर ही मानेगा। जी, आप तो मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, फिर मुझसे इतनी सेवा क्यों करवा रहे हैं? आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मेरी सेवा करिए।